कहाँ से रहने वाले? मैं पानीपत शांति नगर से। क्या कुछ आपने देखा और किस टाइम की घटना है? ये घटना लमसम 15-20 मिनट पहले की है। मुजरिम था, फोर्थ फ्लोर से आया है और यहाँ से निकल के सीधा गेट टपके रेलवे लाइन क्रॉस करके भाग गया। कितने पुलिसकर्मी साथ में थे? उसके पुलिसकर्मी 3-4 पीछे भाग गए हैं। एक पुलिसकर्मी के हाथ में चोट थी, वो द्वार नहीं कूद सका उस कारण से, और मुजरिम बड़ी स्पीड में था, पतली सी रेस से था, वो निकल गया, मौके से फरार हो गया। बंधा हुआ भी था हाथ में? नहीं, कुछ नहीं था, खाली हाथ थे दोनों उसके, कुछ बंधा नहीं था। कितनी उम्र का होगा? उम्र तो आइडिया नहीं है, थोड़ा दूर का फैसला था, उसको देखा, उसके पीछे भागे भी हैं, थोड़ा आइडिया नहीं लग पाया उम्र क्या थी उसकी। कितने पुलिस वाले पीछे भाग रहे थे? 3-4 पुलिस वाले थे, बाद में PCR भी गई है। सब पुलिस वाले थे? हाँ, बाकी पुलिस वाले थे। कौन से थाने की PCR थी ये देखा कुछ आपने? नहीं, ये चीज़ ध्यान नहीं देखी, पर ये देखा रेलवे लाइन के पास PCR खड़ी थी और पुलिस वाले मौके 2-3 वाले, 2-3 उसके पीछे भी गए थे। रेलवे फ्लोर से भागे सर? फोर्थ फ्लोर से। चौथी मंजिल का कैसे पता आपको? सुनने यहीं पर चर्चा हो रही है इस चीज़ के, मैडम बता रहे हैं कि फोर्थ फ्लोर से मुजरिम भागा है। किस मामले में था पता? पुलिस वाले से पूछा था, वो चोरी के मामले में शायद ऐसे कह रहे थे, कन्फर्म नहीं है, पर जो भी होगा वो इस डिपार्टमेंट को ही पता है। पर देखिए, आप भी आम आदमी हैं, तो गलत है भी पुलिस की गिरफ्त से ऐसे भागना? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। पुलिस का काम है कि मुजरिम को पकड़ रखा है तो रक्षा करो। चोरी के केस में था या किसी भी अन्य केस में था, तो वो निकल गया तो गलत है, वो तो बिल्कुल लापरवाही है, पब्लिक सेफ है नहीं है। अगर वो भाग गया तो कोई ऐसे भाग जाएगा किसी भी केस में, मर्डर करके भी लोग जा सकते हैं और भी कुछ काम करके जा सकते हैं लोग, गलत है। वैसे जो भी है वो गलत है, बिल्कुल वैसा बिल्कुल जरूर होनी चाहिए। मोनू बैठेजा ठीक है, थैंक यू। क्या कुछ देखा आपने? सर मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हॉल में खड़ा था, ऊपर से हाँ उल्लर सुना, पुलिस वाले आवाज़ें मारते भाग गया, तो मैं तभी गेट पे आया, मैंने देखा एक लड़का भाग रहा था, बड़े बड़े बाल वाला, पहले वो खेत की साइड भाग, ये पेड़ों की साइड भागा, उसके बाद पानी की टंकी की साइड भागा, फिर दो पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे, फिर 4-5 पुलिस वाले हो रहे, थोड़ी देर में हम भी उसके पीछे भागे, उसने लाइन क्रॉस कर ली, फिर हम भी उसको ढूंढने गए कॉलोनी में, कॉलोनी की लेडीज खड़ी थी, हमने उससे पूछा भाई कोई लड़का भागा, बोली हाँ 10 मिनट पहले एक लड़का भाग के गया और कॉलोनी में बहुत ढूंढा वो लड़का, फिर हमें वहाँ पर नहीं मिला। कहाँ से आया था? सर ये 5वीं मंजिल से आवाज़ आ रही थी, पुलिस वाले कह रहे भाग गया, पकड़ो उसको, इतना गेट पे इतना वो भागता हुआ दिखा मैं तो यहाँ से। कितनी की उम्र का लग रहा था, कैसा उसका? वो कम से कम दिखने में 22 से लेके और 28 के बीच का था लड़का, दिखने में उसके बड़े बड़े बाल थे और ब्लू कलर की शर्ट बुशर्ट पहन रखी थी उसने, चेक की बुशर्ट पहन रखी थी उसने। फेलियर मानते आप पुलिस का इसमें कुछ? सर ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही। हाँ लापरवाही सर, उनसे छूट के भागे थे प्रशासन होते हुए, वो लड़का भागा यहाँ से, ऑफिस होते पुलिसकर्मी होते हुए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।